Welcome to our channel Sparkles College and this is Sadaf Meher. Students, जैसे आप जानते हैं कि हम आजकल जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अभी तक जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो कवर कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या हैं और किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है. और इसके अलावा हमने ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की, प्राइवेट, पब्लिक, कमर्शियल. तो अब आज भी हम ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स डिस्कस करेंगे जिसमें है कोऑपरेटिव्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ एनजीओस. सबसे पहले हम कोऑपरेटिव्स को देख लेते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं. कोऑपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस which are democratically owned and controlled by its members, organized solely for benefit of its members. Member owners usually share profits. यानी कि cooperatives वो organization हैं जहाँ पे इनके owners ही member हैं और वही organization को control और operate करते हैं. Profit sharing इन members जो कि owner भी हैं उनके दरमियान में होती है. Opposite to companies, each member usually gets a single vote on a key decision, not in proportion to equity contribution, unlike companies where shareholders have one vote for each share they own. Companies में shareholders के पास उनके voting rights उनके share के equal होते हैं. यानी कि एक shareholder के पास एक share के लिए एक voting right होगा, जबकि cooperatives के अंदर एक मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होगा. अब अगर हम कोऑपरेटिव की एग्जांपल की बात करें तो कोऑपरेटिव ग्रुप इन यूके व्हिच हैज़ 5.5 मिलियन मेंबर्स एंड ऑपरेट्स इन मार्केट्स सच एज बैंकिंग, ट्रैवल एंड ग्रोसरीज. रेपो बैंक ग्रुप इन नीदरलैंड्स व्हिच इज़ फुल रेंज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. यहाँ तक कोऑपरेटिव का टॉपिक ख़त्म होता है. अब हम आगे एनजीओस को देख लेते हैं. एनजीओस को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हम में से बहुत से लोग जो हैं वो इससे वाकिफ भी हैं. अब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेशनल गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट अ प्राइमरी गोल इन एनजीओस. इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है. इनफैक्ट ये जिस कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पे सोशल, एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल चेंजेस को प्रमोट करना, असिस्ट करना इनके मेन गोल्स होते हैं. तो आज का हमारा लेक्चर इधर ख़त्म होता है. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.